नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव के एक नए अपडेट के साथ मैं हाजिर हूं। आइए जानते हैं वो आखिर नया अपडेट कौन सा है। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर गांव में राजनीति तेज हो गई है। हालांकि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों के मन में एक सस्पेंस बरकरार है कि क्या चुनाव तय समय पर होगा या नहीं, क्योंकि ईवीएम को लेकर पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के बीच में मामला फंसा हुआ है और यह पूरा मामला पटना हाईकोर्ट के पास लंबित है। पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार अपडेट जारी किया जा रहा है। अब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नया अपडेट जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर दूसरे वर्ग के प्रत्याशी नामांकन करते हैं तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि निर्वाचित पदाधिकारी इस बात को स्पष्ट कर ले कि उनके क्षेत्राधिकार के तहत यह कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र वार्ड किस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। ऐसा ना हो कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार नामांकन पत्र भर दे। आयोग ने अपने इस अपडेट में यह भी साफ साफ कहा है कि ऐसी गड़बड़ियां हुई तो संबंधित निर्वाचित पदाधिकारी ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार ठहराए जाएंगे। गड़बड़ी सामने आने के बाद इस मामले में दोषी अधिकारियों और कर्मियों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि कोई भी उम्मीदवार दो से अधिक पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकता है, इसके लिए भी एक ही नामांकन शुल्क देना होगा। आपको बता दें कि बिहार में 258,000 पदों के लिए चुनाव होना है। चुनाव की प्रक्रिया जून के पहले सप्ताह तक पूरी कर ली जाएगी, लेकिन ईवीएम खरीद को लेकर पूरा मामला अटका हुआ है। आपको यह भी बता दें कि ईवीएम में खरीद को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के बीच में मामला फंसा हुआ है। आपको बता दें कि 5 अप्रैल यानी कि सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के बीच में एक बैठक बुलाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में यह खबर आई कि यह दोनों यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के बीच में बैठक नहीं हुई है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के बीच में होने वाली जो बैठक थी वह ऑनलाइन होने वाली बैठक थी, लेकिन अब जो है उस पर साफ तौर पर यह हो गया है कि विराम लग गया है। राज्य निर्वाचन आयोग लगातार निर्वाचन आयोग से एनओसी की मांग कर रहा है, लेकिन एनओसी नहीं मिलने के कारण अब यह जो पूरा मामला है वह पटना हाईकोर्ट में लंबित पड़ा है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए एक और अपडेट में बताया गया है कि ग्राम पंचायत के चुनाव अगर तय समय पर नहीं हुआ तो पंचायतें अवक्रमित कर दी जाएंगी। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के तहत होने वाले कार्य अफसरों को इसकी जिम्मेवारी दे दी जाएगी। जब तक नव निर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता तब तक अफसर ही योजनाओं का क्रियान्वयन कराएंगे। आपको बता दें कि पंचायती राज अधिनियम में इसका प्रावधान नहीं किया गया है कि चुनाव समय पर नहीं हो तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के तहत होने वाले कार्य किसके माध्यम से पूरे कराए जाएंगे, इसीलिए अधिनियम में संशोधन किया जाना अनिवार्य होगा। अधिनियम में संशोधन करने के बाद इससे संबंधित दिशा निर्देश जिलों के जिलाधिकारियों को दिए जाएंगे। पंचायती राज का कार्य जिलाधिकारियों के माध्यम से अधीनस्थ पदाधिकारियों को दिए जाएंगे। आपको बता दें कि वार्ड, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के तहत होने वाले कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कराए जाएंगे। वहीं जिला परिषद के माध्यम से होने वाले कार्य उप विकास आयुक्त कराएंगे, उन्हीं के पास सारे अधिकार भी होंगे। अभी वर्तमान में विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए अध्यादेश के माध्यम से अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। बाद में विधानमंडल का जब सत्र चलेगा तो उसमें इस विधेयक को पारित करा लिया जाएगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।